हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे सिक्स एक्सरसाइज 6.1। और इसका पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ देता हूँ, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है आकृति जो यहाँ पे बगल में बना है, में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर है 70 और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पे इसका चित्र बना देते हैं जो दिया है। और इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको यहाँ लिख देते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू दिया है 70 डिग्री, और इसी में बी ओ डी इक्वल टू है 40 डिग्री, और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, ये दो हमें ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे देखें जो दिया है ए ओ सी और बी ओ ई है ना, ए ओ सी यानी ये एंगल और प्लस का बी ओ ई, ये इन दोनों का सम है ना, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 70, ये दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पे हम ये एंगल निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए ओ बी एक सरल रेखा है ना, यहाँ लिख लेंगे ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता तो हमें पता है इन तीनों को अगर एंगल्स को हम जोड़ेंगे, याद होगा ये लीनियर पेयर एंगल होते हैं, इनका सम जो होता है वो 180 होता है। तो इसमें से हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल यहाँ से बी ओ ई, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये एंगल लिया है प्लस ये और प्लस ये, इन तीनों का सम 180 के बराबर। अब इसमें देखें तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई है ना, ए ओ सी बी ओ ई ये बराबर है 70, यानी इन दोनों का मान हम यहाँ पे 70 रख देते हैं, प्लस का सी ओ ई और ये बराबर 180 है। ठीक है, अब यहाँ से हम सी ओ ई निकाल सकते हैं, जो सी ओ ई आएगा वो 180 माइनस का ये 70 हो जाएगा, यानी अब यहाँ पे सी ओ ई जो निकल के आ रहा है इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 110 यानी 110 आ गया। तो ये सी ओ ई यानी ये वाला एंगल आ गया है 110, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो प्रतिवर्ती सी ओ ई पूछा गया है ना, यानी इसका रिफ्लेक्ट, इसका रिफ्लेक्ट क्या होगा, तो ये अगर इतना एंगल बना हुआ है ना, इसको यहाँ बना दें ऐसे, तो ये सी हो ओ और ई है ना, तो ये एंगल 110 है, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, ये पूरा है ना, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से अगर हमें प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालना है, प्रतिवर्ती सी एंगल सी ओ ई और प्लस का वैसे वाला सी ओ ई है ना जो नॉर्मल है ये वाला, इन दोनों का सम जो होगा वो 360 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये निकालना है प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई प्लस, प्लस में सी ओ ई है ना, ये 110 है, इसको यहाँ रख देंगे और इधर भेजेंगे तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 360 से 110 माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा यहाँ पे 250 डिग्री। ये कौन सा आया है, प्रतिवर्ती सी ओ ई है ना, ये इसका आंसर बनेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमने प्रतिवर्ती सी ओ ई निकाल लिया जो कि 250 आया है। अब हमें बी ओ ई निकालना है, जबकि हमें यहाँ पे बी ओ डी है ना, ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो इसको हम अगर यहाँ 40 कर दें तो इसी का ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो 40 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा, समझ पाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो अब हमें पता था जैसे इन दोनों का सम है ना, इन दोनों का सम कितना है 70 है, ये यहाँ पर लिख देते हैं ए ओ सी प्लस का बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है। अब यहाँ हमें ए ओ सी पता चल गया है कि 40 है, तो इसकी जगह पे हम 40 रख देते हैं,
प्लस का बी ओ ई बराबर है 70। अब हमें बी ओ ई निकालना है तो 40 को इधर भेज देते हैं, यानी ये 70 माइनस का 40 हो जाएगा, तो बी ओ ई निकल के आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है, ये बी ओ ई का आंसर हो जाएगा। तो हमने दोनों निकाल दिया है, ये आपको समझ में आया होगा।